हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में और फ्रेंड्स अभी अभी जो है एक पर्टिकुलर जोन से ऑफिशियल अपडेट सामने आया है और 115 स्टूडेंट की लिस्ट यहां पे जारी हुई है तो किस तरह की ये लिस्ट है क्या कुछ इसमें बताया गया है और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर इस खबर को कुछ स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर रहने वाली है और कुछ स्टूडेंट के लिए बुरी खबर भी रहने वाली है तो वीडियो आपको कंप्लीट देखना है पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी मेक श्योर sure कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन को भी प्रेस करें ताकि फर्दर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे फ्रेंड्स यहाँ पर जो अपडेट आ रहा है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सिकंदराबाद की तरफ से है यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से है और यहाँ पे जब आप नोटिफिकेशन वाले पार्ट में जाएंगे तो सबसे ऊपर ही आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा नोटिस टू द कैंडिडेट हु रिमेन एबसेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन एंड टेम्प्रेरी अनफिट कैंडिडेट ठीक है इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड कर लेना है या फिर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में चले जाना है वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाते हैं और ये वाला पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर और रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद की तरफ से नोटिस है ऊपर अगर आप लोग डेट देखेंगे तो 12 चार 2023 की यहाँ पे डेट है यानी कि कल की डेट है आज नोटिस सामने आया है फोर कैंडिडेट्स कैप्ड पेंडिंग इन फर्स्ट फेज डीवी एक दो हजार उन्नीस लेवल वन पोस्ट एक बार इसको देख लेते हैं इसमें क्या कुछ बताया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सिकंदराबाद हैज कंडक्टेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट फेज फॉलोड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन हेल्ड फ्रॉम सात फरवरी 2023 टू तेरह मार्च 2023 यानी कि आपको पता है डीवी मेडिकल सात फरवरी से लेकर तेरह मार्च तक चला था आगे बोला गया ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 115 यानी कि 115 कैंडिडेट्स आर अंडर पेंडिंग लिस्ट एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स यानी कि 115 टोटल कैंडिडेट है जिनके लिए बुरी खबर रहने वाली है जिनको यहाँ पे पेंडिंग में रखा गया था अब जो ये 115 पेंडिंग में रखे गए थे यहाँ पे इनके साथ हुआ क्या है तो पहले पॉइंट में बोला गया अ लिस्ट ऑफ 21 कैंडिडेट हु वर रिमेन एबसेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन इज एनक्लोज इन एनेस्टर वन यानि कि नीचे इन्होंने इक्कीस कैंडिडेट की एक लिस्ट दी है जो मेडिकल में एबसेंट रहे थे दीज कैंडिडेट आर एडवाइज टू अटेंड ऑफिस ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट सेल फर्स्ट फ्लोर सी ब्लॉक और इस एड्रेस पर बोला गया बिफोर इक्कीस चार इक्कीस तारीख से पहले आपको एक लास्ट चांस दिया जा रहा है इन इक्कीस कैंडिडेट को कि ये फिर से जाके अपना मेडिकल करवा सकते हैं और इनकी जो लिस्ट है इक्कीस कैंडिडेट की वो भी यहाँ पर नीचे इन्होंने दे रखी है ठीक है तो वो लिस्ट भी मैं आपको दिखा देता हूं ये पहले वाली जो लिस्ट है यही है और इसमें बोला गया एबसेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन यहां पे जो है आपका रोल नंबर है नाम है और बताया गया है कि आप एबसेंट रहे हैं तो फिर से यहां पे एक चांस इनको दिया जा रहा है इक्कीस कैंडिडेट को आगे बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की तो सेकेंड पॉइंट में कहा गया है अ लिस्ट ऑफ नाइन्टी कैंडिडेट हु वर डिक्लेयर टेम्परेरी अनफिट फोर बाय द रेलवे मेडिकल अथॉरिटीज़ इज़ एनक्लोज इन एनेस्टर टू यानी कि एक और लिस्ट यहाँ पे दी गई है 94 कैंडिडेट की जो यहाँ पे टेम्परेरी अनफिट डिक्लेयर किए गए हैं ऑल दिस कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिपोर्ट टू द कंसर्न रेलवे हॉस्पिटल वे आर द मेडिकल एग्जामिनेशन वॉज हेल्ड एज पर द कम्युनिकेशन गिवन बाय द मेडिकल अथॉरिटीज़ यानी कि आपको जो है जहाँ पर आपका मेडिकल हुआ था वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट करना है इन दिस कनेक्शन एन ई मेल टू दियर रजिस्टर्ड मेल आई डी विल बी सेंट यानी कि आपको जो है इसके रिगार्डिंग एक मेल भी भेजा गया है इफ कैंडिडेट फेल्स टू अटेंड द आर आर सी ऑफिस रेलवे हॉस्पिटल ऑन द नॉमिनेटेड डेज इट विल बी प्रिज्यूम दैट ही शी नॉट इंटरेस्टेड फॉर द अबव पोस्ट एंड दियर कैंडिडेटर विल बी रिजेक्टेड नो फर्दर अपॉर्चुनिटी ऑफ कम्युनिकेशन विल बी एंटरटेन आपको लास्ट चांस दिया जा रहा है कि आप टेम्परेरी अनफिट हैं तो आपका जहाँ मेडिकल हुआ था वहाँ पर आप लोग कॉन्टैक्ट जरूर करें अदरवाइज इसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा और यहाँ पर जो लिस्ट है नाइन्टी फोर कैंडिडेट की वो यहाँ पे दे दी है तो इन सबको जो है टेम्प्रेरी अनफिट यहाँ पर घोषित किया गया है रोल नंबर के साथ नाम भी यहाँ पे दिया गया है और रीजन यहाँ पे टेम्प्रेरी अनफिट लिखा हुआ है ठीक है अब ये टेम्प्रेरी अनफिट किसी भी कारण से हो सकते हैं हो सकता है कोई ऐसी बीमारी हो जो ठीक हो सकती है कुछ दिन में उसके कारण हो टोटल 94 कैंडिडेट यहाँ पर ये यह है जो टेम्प्रेरी अनफिट हुए और 21 कैंडिडेट यहाँ पे एबसेंट हुए थे उनके बारे में ये ऑफिशियल अपडेट आया है। अब अच्छी खबर किन के लिए है अच्छी खबर उनके लिए है कि अगर यहाँ पे ये नाइन्टी फोर जैसे इसमें से अगर पचास कैंडिडेट भी परमानेंटली अनफिट हो जाते हैं तो वो आपको जो है सेकेंड डिवी में काम आएंगी सीट तो अच्छी खबर उनके लिए है जो यहाँ पे वेट कर रहे हैं सेकेंड डिवी थर्ड डिवी का और बुरी खबर इनके लिए है कि इन लोगों को जो है यहाँ पे आप कह सकते हैं कि टेम्प्रेरी अनफिट किया गया लेकिन एक लास्ट चांस इनको फिर से दिया जा रहा है तो बेसिकली अपडेट आया था और ऐसी अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ ही टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये वाला पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है